गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर रिवीजन क्लास फॉर सब्जेक्ट मैथ्स क्लास फिफ्थ. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 52,000. आपको फर्स्ट क्वेश्चन में प्रेडिसेसर फाइंड करना है 52,000 का. तो जिस भी वैल्यू का हम प्रेडिसेसर फाइंड करना होता है, हम उस वैल्यू में से वन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो जब हम 52,000 में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन सी यानी कि 51,999 इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज़ द सक्सेसर ऑफ 198. आपको 198 का सक्सेसर फाइंड करना है. इसके लिए आप 198 में वन ऐड करेंगे, क्योंकि किसी भी वैल्यू का सक्सेसर फाइंड करने के लिए हमें उस वैल्यू में वन ऐड करना होता है. सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 199 यानी कि ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं, आपको इन्हें ऐड करना है. तो सिंपली हम इन्हें ऐड करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, 48 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो. यहाँ पे आपको 48 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है. तो किसी भी वैल्यू को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो ज़ीरो ही होता है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, 255 डिवाइडेड बाय फाइव. यहाँ पे आपको 255 को फाइव से डिवाइड करना है. जब फाइव से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 51, यानी कि आंसर बी जो है वो करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, 1/3 ऑफ 18 आपको फाइंड करना है. मींस हम दोनों की क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि ऑफ जो है वो मल्टीप्लाई को डिनोट करता है. तो 3 से 18 सिक्स टाइम्स कैंसिल होगा, यानी कि सिक्स का ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू 2 × (-). डायमीटर जो सर्किल का है वो जो है वो रेडियस का डबल होता है. सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रोमन न्यूमरल सी. यहाँ पे आपको रोमन न्यूमरल सी की वैल्यू बतानी है. तो सी की जो वैल्यू है वो होगी ऑप्शन बी यानी कि 100. नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रोमन न्यूमरल एम. यहाँ पे आपको रोमन नंबर एम की वैल्यू बतानी है. तो इसका जो नाइन का ऑप्शन सी यानी कि 1000 जो है वो करेक्ट आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 × 25683. आपको प्लेस वैल्यू बतानी है फाइव की. तो फाइव की जो प्लेस वैल्यू है वो होगी आपकी 5000. मींस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है, हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो शॉर्ट फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे यानी कि इन्हें ऐड करेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन 5,27,981 फाइव इज़ इन द डैश प्लेस. आपको बताना है कि इस वैल्यू में फाइव जो है वो कौन सी प्लेस पे है. तो फाइव जो है यहाँ पे हमारी लैक प्लेस पे, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन 75,23,490 द डिजिट इन द 10 लैक प्लेस. आपको 10 लैक प्लेस की डिजिट बतानी है, यानी कि 10 लैक प्लेस पे जो डिजिट है वो है 7, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक करना है इन वैल्यूज़ को. जब हम सब्ट्रैक करेंगे तो सब्ट्रैक करके आपका आएगा ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बॉर्डर मास के हेल्प से सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना होगा वैल्यूज़ को, जो डिवाइड वाली वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे. तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा हमारा. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में भी सेम हमें बॉर्डर मास अप्लाई करना है. सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि ब्रैकेट में जो वैल्यू है हम उन्हें ऐड करेंगे, देन जो भी ऐड करके आएगा उसे हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा सॉल्व करने के बाद. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे भी सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, देन लास्ट में एडिशन. सो 17 का जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ 5,39,749 डिवाइडेड बाई 87 देन रिमाइंडर इज़. तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर बताना है. तो सबसे पहले आप यहाँ डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी यानी कि 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करके जो करेक्ट होगा वो आंसर आपका होगा ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ गिवन है आपको. यहाँ पे फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को हम पहले ऐड करेंगे, देन ऐड करके जो आएगा तो लास्ट वैल्यू को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21, राइट 14 इन रोमन न्यूमरल. यहाँ पे आपको 14 को रोमन न्यूमरल में राइट करना है. सो एक्स आई वी जो है हम 14 को रोमन में एक्स आई वी राइट करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल. आपको जो भी आंसर है वो रोमन न्यूमरल में
बताना है, यानी कि 5 8 जाए कितना होता है 40, और 40 को हम कैसे डिनोट करेंगे, एक्सेल से। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो किसी कितनी भी डिजिट का अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना हो तो हम 1 के पीछे इस तरीके से जीरो लगाते हैं कि उतने ही डिजिट का नंबर बन जाए, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे 5 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो होगा आपका 10,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। यहाँ पे आपको 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो कितने भी डिजिट का अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है तो उसके लिए 9 को उतने ही टाइम्स आपको रिपीट करना होता है। तो यहाँ पे 6 टाइम्स हम 9 को लिख देंगे, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फाइंड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, राइट द सक्सेसर ऑफ 8,39,999। तो सक्सेसर फाइंड करने के लिए जो भी वैल्यू नंबर है हम उसमें 1 ऐड करेंगे, यानी कि 8,40,000 इज द सक्सेसर ऑफ 8,39,999। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ 65,000। अब आपको प्रेडिसेसर फाइंड करना है 65,000 का, तो प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए हम जो भी वैल्यू नंबर है उसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 64,999। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, राइट 3 कंसेक्यूटिव नंबर डेट कम आफ्टर 79,697। आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर बताने हैं जो कि 79,697 के जस्ट बाद आते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें 1 ऐड करेंगे। तो सबसे पहला जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 79,690, डन। अब इसमें हम 1 ऐड करेंगे, देन 79,699। अब इस वैल्यू में हम 1 ऐड करेंगे, यानी कि 79,700। सो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमारे आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, राइट इन फिगर्स 200,978। यहाँ पे आपको ना फिगर्स में लिखना है, तो फिगर्स में हम लिखेंगे 200,978, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, राइट 39,407 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट फॉर्म दिए, हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो भी नंबर है स्टार्टिंग से हम उस नंबर को लिखेंगे और उसके पीछे उतने ही जीरोज लगाएंगे जितने उसके नंबर के पीछे अदर नंबर दूसरे नंबर होंगे, यानी कि ये आ जाएगा आपका 30,000 प्लस 9 के पीछे 3 जीरोज लगेंगे 9,000 प्लस 4 के पीछे 2 जीरोज 400 एंड प्लस 7 के पीछे कोई नंबर नहीं, यानी कि प्लस 7। अब जीरो सिर्फ जीरो को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ क्लोज शेप मेड विद द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड। कोई भी एक क्लोज एक बंद सा शेप है जो कि किस लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है उसे हम बोलते हैं पॉलीगन। सो स्टूडेंट, दिस इज योर रिविजन शीट, यू हैव टू रिवाइज इट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। गुड बाय, टेक केयर।